तो फाउंडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप अच्छे से फाउंडेशन को लेकर के स्किन के ऊपर ब्लेंड करो। मेकअप कभी भी ऐसा नहीं होता, हम लोग सोचते हैं मेकअप करना बहुत इजी है, ये लिया और इसको इस तरीके से लगा लिया, बहुत टेक्निकल होता है और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, फोरहेड पे भी अच्छे से फाउंडेशन को ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है मेकअप के रिलेटेड तो अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, मैं डेमो कर रही हूँ तो सिर्फ डेमो नहीं कर रही, मैं आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, मैंने हाइड्रेशन क्रीम इनको दे रखी है। ओके, तो पर वो ड्राइनेस नहीं जा रही, ड्राइनेस नहीं जा रही, मैंने बस वो फेस वॉश नहीं दिया, डीप क्लेंजिंग वाला, डीप क्लेंजिंग ऑयल भी दो। और अगर किसी की ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो उनको ये बोलो कि हफ्ते में ना एक दिन मसाज क्रीम के अंदर एक फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल डाल के अच्छे से मसाज भी कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी जो स्किन की जो सीबम है वो जनरेट होगा। करेक्ट, डाल सकते हैं, हाँ हाफ कैप्सूल डालो, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, जैसे मसाज क्रीम में मत डालो, उसे डायरेक्ट कर सकते, नहीं डायरेक्ट मत करो, मसाज क्रीम से ना थोड़ा सा क्रीम बेस रहेगा वो, अगर आप डायरेक्टली फ्लैक्स ऑयल को लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी एक्चुअली उनको 2 महीने हो गए रेगुलर यूज करते, अच्छा तो ड्राइनेस नहीं जा रही, कुछ नहीं होता। तो आप जैसे मैंने बताया ना, एक बार ये बोले ट्राई करके देखो। ठीक है, ओके, इसके बाद मैं इनके क्या यूज करूंगी करके, इनके जहां पे भी स्पॉट्स हैं उनके ऊपर कंसीलर को अच्छे से डैब करके लगा रही हूं। ठीक है, और एक टाइम पे एक ही करो, अगर आप कंसीलर यूज करो ना तो कंसीलर को एक जगह पे जब लगाया है तो उसको डैब करके ब्लेंड करो पहले अच्छे से। अब इनकी स्किन टोन को नेचुरल करने के लिए मैं क्या करूंगी, इनकी स्किन टोन को नेचुरल करने के लिए मैं इसके ऊपर 003 यूज करूंगी। ठीक है, क्योंकि 003 थोड़ा येलो टोन में आता, हल्का सा ऐसे डाप करके आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर पिंपल्स बहुत ज्यादा है कर सकते हो, और डाप करके ही अपने फाउंडेशन या फिर कंसीलर को सेटल करना है। ठीक है, अब ना मार्क्स इनके हाइड हो गए हैं ऑलमोस्ट, बट इनके जो बम्पीनेस है ना स्किन के ऊपर वो नहीं हाइड होगी, उसके लिए ना बहुत थिक क्रीम बेस्ड कंसीलर हमारे को चाहिए होगा, एरिया के ऊपर है राइट। हल्का सा मैंने कंसीलर इधर यूज करा, डैब करा मैंने, अभी ना मैं ऊपर की तरफ फाउंडेशन इसलिए नहीं ब्लेंड कर रही हूं क्योंकि उनके फेशियल हेयर है। ठीक है, तो अगर मैंने अगेंस्ट यूज करा तो क्या होगा, इनके जो हेयर के मार्क्स हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर की तरफ फाउंडेशन को ब्लेंड करना है तो ऑलवेज मेक श्योर लेडीज कि आपके फेशियल हेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप उसको अच्छे से रिमूव कर रहे हो। सेम वे मैंने नंबर 3 लिया, अच्छे से इनके पूरे फेस के ऊपर ये साइड्स में, आजकल ना लोगों को प्रेफर होता है येलो टोन, किसी को भी पिंक टोन प्रेफर नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होता, तो आप उनको नंबर 3 का भी फाउंडेशन कंसीलर रेकमेंड कर सकते हो। अच्छे से डैब करके आपने इनकी जितनी भी स्किन की जो मार्क्स नजर आ रहे हैं उसको थोड़ा सा हाइड कर देना है, बट जो कॉम्प्लेक्शन है उसको नेचुरल भी लगने देना है। ठीक है, अब सेम वे सेकेंड जो 02 और 03 प्रेस करते हुए अच्छे से यूज करो, और फिर मैं 03 यूज करूंगी।
और पता है सबसे बेस्ट चीज क्या होती है मेकअप की ना, आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। अगर आपने ट्राई नहीं करा, ओके, अब इनके नोज के ऊपर भी हल्का सा नजर आ रहा है, बट इनके नोज के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, रेडनेस है। तो रेडनेस को ठीक करने के लिए मैं हल्का सा येलो कंसीलर जो है इनके नोज के ऊपर यूज करूंगी। वैसे रेडनेस को हटाने के लिए पहले ग्रीन लगाया जाता है, फिर आप कोई कंसीलर यूज करते हो, अगर तो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन कंसीलर आता है, बट वो प्रोफेशनल में आता है, जैसे आप देखते हैं ना ब्राइडल के मेकअप होते हैं ना, ऑल दैट उसमें करा जाता है। ठीक है, अब बेस को क्या करना है, सेट करना है। बेस को सेट कैसे करते हैं, किसके साथ? लूज पाउडर से। तो लूज पाउडर है बिल्कुल लाइटली, जो यस सर को मैं अपना असिस्टेंट बना ले रही हूँ सर, बहुत एवरी टाइम मुझे बहुत अच्छा, थोड़ा सा फेस ऊपर करो मैम, थोड़ा सा ओके। नेक के ऊपर भी लूज पाउडर को लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाउडर को आप बंद करके रख सकते हो। नाउ अगर आपको कवरेज चाहिए तो उसके लिए हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो, बट सर्दियां हैं मैं ज्यादा नहीं प्रेफर करती कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज। हल्का सा जहां पे इनके मेरे को लग रहा है ना टारगेट एरियाज हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर को सिर्फ मैं वहीं पे यूज कर रही हूं। ठीक है, आपका बेस भी दो शेड चलता था, यस ये भी शेड्स में आते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर बट लूज पाउडर कोई भी शेड। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप नहीं भी करते हो ना, करके सिर्फ इनकी आंख को डिफाइन कर रही हूं मैं यहाँ पे लाइटली, सबसे पहले जो ज्यादा से ज्यादा कलर लगाओगे ना वो आप अपने वी पे लगाओगे, ठीक है, ताकि ज्यादा कलर इधर डिपॉजिट हो। बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है इधर से बना लेती है, और जो बचा होगा मेरे ब्रश के ऊपर उसको मैं आगे की तरफ हल्का सा यूज करूंगी। तो मैं फ्रंट से इनका फेस देखो लाइटली लेकर के, मुझे इसका आंख भी बनाना है ठीक है। आपने अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर लिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी ब्राउन कलर भी ले सकते हो, आप कोई ब्लैक कलर भी ले सकते हो, अगर ब्लैक से कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा लाइट रखो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, इनकी आईलिड्स के ऊपर मुझे क्या यूज करना है, आई शेडो। अब आई शेडो यूज करने से पहले मैं हल्का सा कंसीलर यूज कर रही हूँ आईलिड्स के ऊपर भी, क्यों, ताकि जो मेरी आई शेडो है ना वो ज्यादा टाइम तक रहे और क्रीज ना हो। तो आईज को बंद कर लो, हल्का सा मैंने कंसीलर इधर यूज करा और कलर भी आ जाएगा, कलर भी आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। और अच्छे से डैप करते हुए इस कंसीलर को लगाना है। अब मैं आपको फर्क एक चीज दिखाती हूँ, आईलिड्स पे देखना कितना डिफरेंस आ जाएगा, और आईलिड्स के ऊपर भी आप क्या यूज करोगे, लूज पाउडर, ठीक है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज करोगे क्योंकि दोनों थिक हो जाएंगे, फाउंडेशन भी और आपका वो भी, तो क्रीज हो जाएगा फिर से, लाइट होता है तो अच्छे से इसको डार्क कर लो। अब आईज बंद करके उधर दिखाओ और ऑडियंस को, आईज बंद करके देखो राइट। तो ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, रीजन क्यों, क्योंकि इसमें ना कलर बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं आई शेडो का ब्रश लेकर के सबसे पहले बिल्कुल लाइट कलर ना, लेडीज को यूजुअली बहुत लाइट आईज के ऊपर यूज करूंगी लाइटली, ठीक है।
और इसके साथ इन्होंने पिंक डाला हुआ है, तो हल्का सा ये जो मेरे पास ब्लश पिंक कलर है इसको मैं आईज के सेंटर में यूज करूंगी। आई बॉल के ऊपर आप यूज कर सकते हो जो आपकी बॉल एरिया होता है, ठीक है। सेम में सेकेंड आई के ऊपर भी मैं कंसीलर यूज करूंगी। अच्छे से कंसीलर को डरना नहीं है, ठीक है, कंसीलर को अच्छे से यूज करो बट उसको डार्क ब्लेंड जरूर करो। तो डार्क करते हुए मैंने ब्लेंड करा अच्छे से और इसके ऊपर से अगेन मैंने हल्का सा लेकर के लूज पाउडर यूज कर लू। वो कलर लिया, ब्रश को जितना पीछे से पकड़ोगे बहुत अच्छे से आपका आई शेडो लगेगा और ब्लेंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ब्रश को थोड़ा सा पीछे से पकड़ो, अच्छे से ब्लेंड करो और सेंटर में ये जो पिंक कलर है आई बॉल के ऊपर इसको यूज करो लाइटली। पहली बार में क्या होगा, खराब होगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होता, पर ट्राई करो, ठीक है। अब मैं ना इनके आईज के ऊपर कोई भी मैं वो नहीं यूज कर रही हूँ, आईलाइनर नहीं यूज करूंगी, मैं सिंपल इनके आईज को मैं मस्कारा यूज करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आईलैश कर्लर ले रही हूँ, अगर आपके पास तो है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईज ओपन करो और सामने देखो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना और उनको देखना, ठीक है। आईज ओपन करो, अच्छे से बंद करो, अच्छे से प्रेस करो उसको। अब इससे क्या होगा, नेचुरली जो आपकी आई लैशेज है ना वो कर्ल हो जाएंगे, ठीक है, मस्कारा भी कम लगेगा। फिर सामने देखो, स्किन तो नहीं आई, अच्छे से उसको प्रेस करो, कर्ल हो जाएंगी। सेम वे मैं लगा रही हूँ क्योंकि इससे ना आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। फिर अब मैं लास्ट में क्या कर रही हूँ, इनकी आईज के ऊपर मस्कारा यूज कर रही हूँ। मस्कारा यूज करने से पहले आप क्या करोगे, हल्का से मस्कारा को सामने देखो, उनको देखो, अच्छे से मस्कारा को आप अपवर्ड स्ट्रोक्स में यूज करोगे। और मस्कारा अगर आप हल्का सा यूज करो तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वो क्लम्पी हो जाता है, ठीक है, सामने वाले को पता लग जाता है कि आपने मस्कारा लगाया हुआ है लाइटली। अब सामने देखो, आप आईज क्लोज करो, आपको देखने पे पता लगते हुए जो आपका ब्लशर का होता है वो ये वाला एरिया होता है, ठीक है। आप हल्का सा ब्लशर लेकर के ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे अच्छे से, नेचुरल लगने हैं तो बिल्कुल लाइट यूज करो, ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज ही मुझे पूरा प्रोडक्ट खत्म कर देना है, हल्के हाथ से यूज करो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और अगर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट खत्म करने हैं और पीवी बढ़ाना है तो डेमोज करने स्टार्ट कर दो, ठीक है, छोटे छोटे एज अ हाईलाइटर, ठीक है। आप वो जो टॉप कोट बोला था ना, गर्मियों में कोशिश करो पाउडर यूज, हल्का सा नोज के ऊपर लाइटली एंड फोरहेड पे, huh? अब मैंने आपको बोला था इस ब्लशर के साथ आप क्रीज भी डिफाइन कर सकते हो, तो मैं हल्का सा ही ब्लशर लेकर के, क्योंकि आज जो मैंने लगाया अपनी आईज के ऊपर इसी से ही मैंने क्रीज बनाई और गोल्डन कलर लगाया, तो हल्का सा मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। इस ब्रश के ऊपर लिया आपने लाइटली, आईज क्लोज करो, ये जो आपका ब्रश पीछे की तरफ, ये आपका जो आईज पीछे की तरफ जाती है ना, सिर्फ उस एरिया के ऊपर आप ये जो पीच कलर है इसको यूज करोगे, हल्का सा लेकर के और बाहर की तरफ इसको ब्लेंड जरूर करो। थोड़ा ग्रेडियंट लुक आना चाहिए इसके साथ,
और अब जो हमारी टॉप कोट लिपस्टिक है ब्रॉन्ज, उसको मैं आईब्रो के नीचे यूज कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो मैंने हल्का सा यहाँ पे यूज किया एज अ हाईलाइटर। जो आंख होती है ना आपकी आईब्रो की, उसके नीचे ही आप इसको यूज करोगे। हल्का सा यूज करो, पहले शेप दो लिप्स को और उसके बाद फिल करो। अगर न्यूड मेकअप चाहिए तो जरूरी नहीं है कि कलरफुल लिपस्टिक होनी चाहिए। सेम लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ सिंपल शाइन देने के लिए, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में जितना हमारा फेस शाइनी। टैप कर लो एक बार अच्छे से।